नमस्कार बंधुओं, व्यंजन संधि के अंतर्गत आप देखते हैं कि त जो वर्ण है वो बहुत ही संवेदनशील है। जब भी उसके कोई निकट आता है तो वो अपना स्वरूप बदल लेता है। इसके अंतर्गत बहुत से नियम हैं। त के अंतर्गत अगर आप पहला नियम आप देख रहे होंगे कि त के बाद यदि क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अर्थात ग घ, द ध, ब भ, य र व या कोई स्वर आ जाए तो त द में परिवर्तित हो जाता है, यानी त जो है वह द में परिवर्तित होता है। बहुत ही सरल और सार्थक नियम है, आप उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जगत धन ईश, जैसा कि मैंने आपसे उसके अंतर्गत पहले भी आपको से निवेदन किया था कि त के बाद में कोई स्वर आए तो त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार का ये नियम यहाँ भी लागू होता है। जगत धन ईश जगदीश हो गया, त द में बदल गया और द पर पड़ी की मात्रा हो गई, जगदीश हो गया। सत धन धर्म, सत धन धर्म, त के बाद वर्ग का चौथा वर्ण आया है तो हो गया सद्धर्म। भगवत भजन, आप देख रहे हैं कि भगवत भजन के अंतर्गत जो है त पहले शब्दांश में तय है और उसके बाद में चौथा वर्ण है तो त त में परिवर्तित हो गया तो शब्द हो गया भगवत भजन। ऐसे ही भगवत गीता का भगवत गीता, भगवत धन गीता का भगवत गीता, सत धन भाव सद्भाव हो गया, तत् धन रूप तद्रूप हो गया, सत धन गति सदगति हो गया, तत् धन अनुसार तद अनुसार हो गया। आप देखते हैं कि त के बाद में यानी पहले शब्दांश में त हलंत है और प्लस यानी कि धन, उसके बाद में स्वर आया है तो त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला है, शब्द हो गया तदनुसार। और त द में परिवर्तित हुआ और द में अ की जो स्वर है मात्रा है वो जुड़ गई तो इसी प्रकार से हो गया तदनुसार। जगत धन अम्बा, आप देखें त गम त जो है वह द में परिवर्तित हो गया और जगदम्बा हो गया, इसी प्रकार से त द में परिवर्तित हुआ, द में अ मिला और इस तरह से हो गया जगदम्बा। सत धन भावना, त के बाद वर्ग का चौथा वर्ण है इसलिए त द में परिवर्तित हुआ है और इसी प्रकार से सद्भावना जब आप लिखेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि त हलंत है तो द भी हलंत ही होगा, सद्भावना। सत धन उपयोग, अब आप देखते हैं कि सत धन उपयोग में आप देखें कि त पर के बाद में उ स्वर है, छोटा उ जिसे आप बोलते हैं, और त द में परिवर्तित हुआ और द में छोटी उ की मात्रा लगी, सदुपयोग हो गया। तत् धन भव, वह हो गया तद्भव और इसी प्रकार से उत धन गम उद्गम हो गया, उत धन घाटन उद्घाटन हो गया। तो इस प्रकार से आपने पहला जो त के अंतर्गत जो नियम है वो आपने समझा है। उसी के बाद यदि तय के दूसरे नियम को आप जानकारी प्राप्त करें तो ध्यानपूर्वक देखें। दूसरा नियम है तय से परे यदि चय छय होने पर, तो चय एक प्रकार से आप देख रहे होंगे, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि तय से परे यदि चय या छय आ जाए तो उसे जो है चय में और जय में या झ होने पर, जय में टय या ठय होने पर ड ड हो जाएगा, ढय होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है, यानी तय जो आगामी जो वर्ण है उसके अनुसार अपना स्वरूप बदलता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि त जो वर्ण है वो बहुत ही संवेदनशील है, अपने उसके सामने जो भी वर्ण होता है वो उसी में मिल जाता है और उसी के स्वरूप को धारण कर लेता है। जैसे आप बहुत ही प्रचलित शब्दों के अंतर्गत आप देखें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, जैसे सत धन चरित्र। अब सत धन चरित्र के अंतर्गत त के बाद में च है तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि त के बाद में च है तो त च में ही परिवर्तित हो गया, यानी उसका स्वरूप जो है वो च में परिवर्तित हो सच्चरित्र हो जाएगा। उत धन चरित, तो इसका भी जो शब्द होगा वो उच्चरित होगा, त के बाद च आया तो त च में परिवर्तित हो गया, वो उच्चरित हो गया। उत धन चारण, तो तय के बाद में च आया तो वो उच्चारण हो गया,
इसी प्रकार से सत धन चित्त सचित हो गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आप ये देखें कि शरत धन चंद्र, तो शरत धन चंद्र जब आप शब्द लिखेंगे तो शरत चंद्र लिखेंगे आप, तय नहीं है इसमें। आप बहुत से विद्यार्थी इस शब्द में भूल कर देते हैं, तो इसको समझ लें। अगर अलग अलग लिखना है शरत चंद्र तो तय पर हलंत होगा और चंद्र अलग होगा, और यदि आप मिला के लिखते हैं तो तय अपने ही स्वरूप में चय में परिवर्तित हो जाता है, तो इस तरह से शरत चंद्र हो जाएगा। जगत धन छाया, जगत धन छाया के अंतर्गत तय चूँकि छय है तो छय आया, तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि छय छय आएगा तो जो तय जो है वह चय में ही परिवर्तित होगा, तो हो जाएगा जगत छाया का जगत छाया। इसी तरह से उच्छिन्न, उच्छिन्न के अंतर्गत भी जो है मैंने आपसे पहले नियम के अंतर्गत ही आपसे स्पष्ट किया था कि यदि तय के बाद चय छय आता है तो तय चय में परिवर्तित होता है, तो शब्द हो जाएगा उच्छिन्न। इसी प्रकार से सत जन, तय के बाद जय आया तो तय जय में परिवर्तित हो गया, और इसी प्रकार से हो गया सज्जन। विपत जाल, विपत जाल के अंतर्गत तय के बाद तीसरा वर्ण भी है और बाद में जय भी है, तो ये तय जय में परिवर्तित हो गया, तो वो हो गया विपत जाल, विपत जाल। जगत जननी, तो जगत जननी जो आप देख रहे हैं कि इसमें भी त जय में परिवर्तित हुआ, जगत जननी हो गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही प्रचलित शब्द है, अधिकांश तौर पर आप पुस्तकों में और कई बार जो है लेखन संदर्भों के अंतर्गत निमंत्रण में या अनेक पत्रों के अंतर्गत जो आप देखते हैं, उज्ज्वल शब्द के अंतर्गत बहुत से जो जानकार लोग भी भूल कर देते हैं, तो उत धन ज्वल है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ही जय अर्ध है यानी स्वर रहित है, उज्ज्वल, तो तय हलंत है, तो बाद में तय जय में परिवर्तित होगा तो वो भी हलंत होगा, यानी वो भी आधा वर्ण ही होगा, आधा जय बाद में लिखा हुआ है, तो जय से जय परिवर्तित है तो उज्ज्वल। भूलवश कुछ लोग जो हैं वो पहले जय को पूरा लिख देते हैं या बाद वाले को पूरा लिख देते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है। तो उज्ज्वल जो शब्द है उसमें दोनों ही ज वर्ण हैं, वो स्वर रहित हैं यानी आधे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से तत् धन टीका, तो आप देखते हैं कि त ट में परिवर्तित हो गया, तो तटीका हो गया वृहत प्लस टीका, त ट में परिवर्तित हो गया वृहत टीका हो गया। उत धन डयन, त ड में परिवर्तित हो गया, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि त बाद में जो वर्ण आता है उसमें अपने स्वरूप को बदल लेता है, तो उत धन डयन, उड्डयन हो गया। उत धन लेख, त के बाद में ल आया तो त ल में परिवर्तित हो गया, तो शब्द हो गया उल्लेख। तत् धन लीन, त के बाद ल आया तो त ल में परिवर्तित हो गया, तल्लीन हो गया। इसी प्रकार से उत धन लास, तो उल्लास जो शब्द है इस प्रकार से हो गया। तो आप देख रहे हैं कि त बहुत ही संवेदनशील, और जैसे ही उसके सामने कोई वर्ण आता है तो वो उसके अनुसार ही बदल जाता है। और संधि के इन नियमों के तहत आप खासतौर से इस बात को समझें कि मुख सुख जैसे जहाँ होगा उसी प्रकार से संधि के नियम को भी आप समझेंगे। जैसे उल्लास आप देख रहे हैं, तल्लीन देख रहे हैं, उल्लेख देख रहे हैं, तो उत्लेख को यदि आप बार बार उच्चारण करेंगे तो उल्लेख ही बाद में निकलेगा। तत्लीन, तत् धनलीन को यदि आप बार बार उच्चारण करेंगे तल्लीन ही निकलेगा। उत धनलास को अगर आप बार बार एक साथ अगर उच्चारण करेंगे तो उल्लास ही निकलेगा। तो मुख सुख, ये नियम जो हैं वो मुख सुख के आधार पर बने हैं, और कोई और भी अन्य आधार होते हैं, बहुत सारे इसके अंतर्गत नियम होते हैं, पर आप, मैं समझता हूँ कि आपने एक संक्षिप्त जानकारी के बतौर आपने आज व्यंजन संधि का ये तीसरा नियम समझा है, खास तौर से तय के संबंध में ये विशेष नियम थे। दो तीन नियम हैं इसके, आपने आज पहले और दूसरे नियम समझे। आगामी एपिसोड के अंतर्गत जो है हम जो जानकारी तय के और भी जो नियम हैं वो जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, और फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई शब्द की जानकारी आप चाहते हो तो सादर आमंत्रित है। आपने समय दिया, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।